नमस्कार दोस्तों, प्रकाश आईटीआई यूट्यूब पर आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग की प्रथम कोणीय एवं तृतीय कोणीय प्रक्षेप को कैसे बनाते हैं उसको हम समझाएंगे। देखिए मित्रों, सबसे पहले जो आइसोमेट्रिक चित्र होता है इसको हम बनाएंगे वही सेट स्क्वायर से जो अपने सेट स्क्वायर हैं उनके माध्यम से वही 30-30 डिग्री अपन लेंगे। इस आइसोमेट्रिक के अंदर जो पार्ट्स दिया हुआ है, जो साइज दी हुई है, वही 30-30 डिग्री में हम इसको बनाएंगे। देखिए बेटा, इसकी हम नाम अंकित करेंगे। ये यहां से आता है 50, इसी प्रकार से 50, ये 10, ये 10, ये भी 10 है, ये यहां से यहां तक 15 है। ये 30 है, ये 15 है, ये वही 50,
देखिए इसको हमने फ्रंट माना है, इसको साइड, और ये टॉप है। यानी ये हमारा प्लेन है, ये सम्मुख दृश्य है, तो फ्रंट होता है उसको हम हिंदी में सम्मुख दृश्य बोलते हैं, सम्मुख दृश्य। और ये पार्श्व दृश्य, ये जो साइड वाला होता है ये पार्श्व दृश्य बोलते हैं। देखिए आज हम आपको प्रथम कोणीय कक्षे पिछले क्लास के अंदर हमने आपको तृतीय कोण प्रक्षेप बताया था, आज हम आपको प्रथम कोण प्रक्षेप बताने जा रहे हैं। इसके लिए आपको सबसे पहले प्रथम कोण प्रक्षेप मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सम्मुख दृश्य होता है वो दायां तरफ है, पार्श्व है बायां। इसी प्रकार से जो प्रथम कोण प्रक्षेप है वही चतुर्थांश खींचते हैं सबसे पहले, इस चतुर्थांश का 10 mm का या 5-5 mm का ऊपर नीचे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन खींचते हैं। इस प्रकार से इसको खींचने के बाद हम सबसे पहले फ्रंट की जो है लंबाई और ऊंचाई निकालते हैं। बेटा देखिए फ्रंट की जो लंबाई है ये यहां से यहां तक 50 है, तो हम सबसे पहले लंबाई कितने लिखेंगे 50, ऊंचाई लिखिए ये यहां से यहां तक 15 है और ये यहां से यहां तक 30, इसी प्रकार से यहां से यहां तक 15 है तो ऊंचाई अपन की आती है 60। इसी प्रकार से अपन साइड की भी निकालेंगे चौड़ाई आएगी, वही प्रक्रिया यहां से यहां तक 50 और ऊंचाई आएगी। देखिए फ्रंट और साइड की जो ऊंचाई है वो सेम होती है, तो साइड आएगी इसी प्रकार से टॉप, टॉप की लंबाई आएगी 50 और चौड़ाई आएगी 50। यदि ये आपने पूरा लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई निकाल ली है तो प्रथम कोणीय या तृतीय कोणीय जो प्रक्षेप बनाते हैं उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी। तो देखिए बेटा सबसे पहले हम फ्रंट बताते हैं, तो थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ये नीचे
लंबाई लेकर के इसका एक प्रोजेक्शन लाइन खींच देंगे। सबसे पहले 50 की एक प्रोजेक्शन लाइन खींच देंगे, जो हमारा फ्रंट है वो हमको हम अंकित कर देते हैं जो ब्लैक कलर का है। ये हमारा फ्रंट है, तो सबसे पहले फ्रंट को हमने 50 लिया है, इसके बाद में ऊंचाई है वो 60 लेंगे, 60 का पॉइंट लगा करके और एक प्रोजेक्शन आया होंगे। देखिए बेटाओ, इसके बाद में हम कोई कड़ी लेंगे, तो ये जो यहां से यहां तक है, ये जो गैप है ये कितना है, 50 में से 10 का है, तो 10 का पॉइंट लगा करके एक प्रोजेक्शन लाइन और खेल देंगे। इसी प्रकार से ये जो है यहां से आता है, 10 से भी 10 है, तो 50 में से 10 गया, 10 गया, तो जो 30 है उसका पॉइंट लगा करके एक प्रोजेक्शन लाइन और खेल देंगे। ऑटोमेटिक हमारा ये 10 बचेगा। इसके बाद हम नीचे से ऊपर की तरफ चलेंगे, ये यहां से आता है 15 है, तो सबसे पहले हम नीचे से ऊपर की तरफ 15 का पॉइंट लगा करके एक प्रोजेक्शन लाइन और खेल देंगे। इसके बाद में देखिए, ये यहां से आता है 30 है, 30 का पॉइंट लगा करके और एक प्रोजेक्शन लाइन खेल देंगे। इसी प्रकार हम सबसे पहले इसको पक्का करेंगे, ये हमारा 50 ऊपर चलेंगे, 15 इसके बाद में वही 50, फिर इसके बाद में ये है यहां से आता 30, ये हम 30 का डाल के 30-30 दोनों साइड से चलेंगे। उसके बाद फिर आ गई 50, फिर ऊपर चलेंगे 15, और फिर 50। देखिए ये आपका फ्रंट बन चुका है, इसका अपन डायमेंशन दे देंगे। ये 15, 30, 15। इसी प्रकार से ऑलरेडी ये खींची हुई है,
15 की है, 30 की है, इसमें किसी हुई है, लेकिन चौड़ाई कितनी है? 50। आप यहां से पॉइंट लगाएंगे 50 का और एक प्रोजेक्शन लाइन भेज देंगे। इसी प्रकार से दोनों साइड से ये 10, 30, 50 की है, ऊपर अपन 15 चलेंगे, उसके बाद 50, फिर 30 का ऊपर चलेंगे, उसके बाद 50, ये आपका 62 दृश्य होता है। इसकी भी हम डायमेंशन कर देंगे, वही 5 mm में इसको 65 दृश्य लिखेंगे। इसके बाद देखिए बेटा, सबसे पहले अपना चतुर्थांश के अंदर 45 डिग्री का कोण बनाएंगे। जो कोण काट रहा है जिस लाइन को, उसको आप सेट स्क्वायर की सहायता से लगाएंगे। हमको ऊपर से ये 50 और ये 50, इधर 50, इधर 50, ये दिख रहा है, ये हमको 50 ये 50 ये दिख रहा है, इसको हम डायमेंशनिंग कह देंगे। ये 50 ये 50, इसको प्लान टॉप बोलते हैं, निमित्रण। लेकिन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि इसका जो ये वाला भाग है, ये ऊपर से नहीं दिख रहा है, साइड के अंदर ये दिख रहा है। और जो टॉप है, टॉप में आपको ये दिख रहा है ऊपर से, हमको ये ऐसा ही दिख रहा है दबा हुआ। तो देखिए, किसी भी छिपे हुए भाग को दिखाने के लिए सबसे पहले रेल लाइन का प्रयोग करते हैं। मैंने आपको भी पहले भी बताया, तो इसके अंदर ये छुपा हुआ है कि ये यहां से छुपा हुआ भाग है, तो हमने इसके अंदर हेडलाइन का प्रयोग कर दिया है। इसके बाद हम आपके लिए वही 5 mm
लिखेंगे ऑल डायमेंशन एन एम एन। इसके बाद हम इसका सिंबल बनाएंगे। देखिए सिंबल के अंदर वही प्रक्रिया है कि छोटा उसके बाद में बड़ा वृत्त, जितना इसकी है दूरी उसका डेढ़ गुना इधर, और एक तिहाई इसको वही क्षैतिज कारण से प्रोजेक्शन लाइनों के जरिए खींच देंगे। ये जो बनेगा बड़ा दर रहेगा, तो ये तो प्रथम कोणीय प्रक्षेप का सिंबल है। तृतीय कोण प्रक्षेप का ये छोटा आगे आता है और बड़ा पीछे आता है। तो इसी प्रकार से हमने इसको प्रथम कोणीय प्रक्षेप में तोड़ा गया है। यदि हम इसको तृतीय कोण प्रक्षेप में खोलते तो जो ये है दृश्य है सम्मुख ये यहां आता, और जो साइड वाली है ये यहां थी, और जो ये वाला है ये टॉप यहां आता। इसी प्रकार से इसको प्रथम तृतीय कोण प्रक्षेप में खोलता आगे की जो क्लास है वो हम आगे और सीख खोल कर बताएंगे आपको। धन्यवाद।